चलिए सीधा रुख कर लेते हैं आईआईटी कानपुर का। सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी डॉक्टर के राधाकृष्णन चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ गवर्नेंस आईआईटी कानपुर, डायरेक्टर आईआईटी कानपुर प्रोफेसर अभय कारिंदकर जी, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, अन्य गणमान्य अतिथिगण, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आईआईटी कानपुर के इस दीक्षांत समारोह में प्रदेश के इस औद्योगिक नगर कानपुर मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं और आईआईटी कानपुर को 54वें दीक्षांत समारोह के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि गुणवत्तापरक तकनीकी शिक्षा प्रदान करने में हमारे देश के तकनीकी संस्थानों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और खास तौर पर प्रधानमंत्री जी ने जो विजन 21वीं सदी के लिए इस देश को दिया है, इसमें उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिजेनस टेक्नोलॉजी की संज्ञा दी है। स्वाभाविक रूप से 21वीं सदी में हम भारत की और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में हम सब की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस दिशा इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को आत्मनिर्भर भारत का एक मंत्र दिया है। आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए इस देश ने 2020 में अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू की है, जो एक नए भारत की एक नई तस्वीर हम सब के सामने प्रस्तुत कर रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश इस दिशा से एक नई पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश में आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, आईएम लखनऊ जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं वर्तमान में मौजूद हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के संस्थाओं को, प्रदेश के युवाओं को एक नई मार्गदर्शन प्रदान करने में सदैव सहायता मिलती है। और आईआईटी कानपुर ने तो राज्य सरकार के साथ पारस्परिक सहयोग के अनेक